हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आप सभी को अपने चैनल ओपन नॉलेज गेनर में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पेपर स्टार्ट किया था, एसएसटी जनरल का पेपर था, और ये पेपर जो है एफटीएस की फेयर टेस्टिंग सर्विस के जरिए कंडक्ट हुआ था। 25/8/2019 को ये पेपर हुआ था। हम पार्ट वन जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो है आज जो है इसका पार्ट टू हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज जो है इसका पार्ट टू है, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उसको इसी वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, ये पेपर जो है अहम है पीएसटी के लिए, जो अभी जो है अपकमिंग, नहीं पीएसटी के लिए बल्कि तमाम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है एमसीक्यूज रिलेटेड ये इसी तरह के एमसीक्यूज हर पेपर में आते हैं। तो 17 नवंबर 2019 को एफटीएस की तरफ से जो पेपर होने वाला है पीएसटी का, उसके लिए काफ़ी अहम, इंतहाई ज़रूरी पे जो है ये वीडियो है। काइंडली आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आइए सॉल्व करते हैं। हमने ये जो है कुछ जो है कर लिए थे, कुछ पार्ट हम लोगों ने कर लिए थे, और रिमेनिंग पार्ट जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश का पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये एडवर्ब क्या है, एडवर्ब, तो इस पर जरूर थोड़ी बात करते हैं। तो हमारे पास एडवर्ब बेसिकली क्या है, वो एडवर्ब है जो हमारे पास वर्ब को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि एनर्जिक में, और अदर वर्ड वर्ब इट इज हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब। बेसिकली एडवर्ब, सपोज हमारे पास ऐसे एक सेंटेंस है जिसमें जो है ही इज रनिंग, तो रनिंग हमारे पास जो है हमारे पास हो गया जो है वर्ब हो गया। अब हम अगर इसको कहें ही इज रनिंग वेरी फास्ट, तो हम लोग ये जो फास्ट होगा इसको हम लोगों ने एडवर्ब को डिफाइन कर लिया, तो हमारे पास फास्ट जो है हमारे पास एडवर्ब होगा। तो ऐसी ऐसे सेंटेंस जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करें उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। उसकी क्वान्टिटी जो है फ्रेंड्स जो है ये हाउ में इस्तेमाल होगा, जैसे कि क्विकली, ही रन, या ही रन क्विकली, यही पीसफुली, केयरफुली, स्लोली, ही रन स्लोली, स्लोली हमारे पास जो है एडवर्ब हो गया। इसी तरह ये जो है हाउ के लिए है, वेयर, अबव, अब्रॉड, फॉर, अवे, बैक, हेयर, तो इसके कुछ जो है हमारे पास सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं जो हमारे पास वेयर में इस्तेमाल होते हैं। व्हेन के लिए भी यूज होता है, और नाउ, यस्टरडे, सून, हाउ मच के लिए, क्वाइट, क्लियरली, हाउ ऑफन। तो आपको ये पता होना चाहिए एडवर्ब्स बेसिकली होता क्या है। तो सिंपली एडवर्ब जो है मैंने आपको बता दिया क्या होता है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पे माय फादर अराइव डैश देन द रेस्ट ऑफ फैमिली। तो माय फादर अराइव, अराइव हमारे यहाँ पे वर्ब हो गया, अराइव लेटर देन द रेस्ट ऑफ द फैमिली, यहाँ पे लेटर आएगा, लेटर देन रेस्ट ऑफ द फैमिली। ओके, माय सिस्टर लुक डैश देन अमारा, तो यहाँ पे हमारे पास मोर ब्यूटीफुल देन अमारा, योर हस्बैंड कमाल राइट्स डैश ऑफ ऑल, तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट ऑफ ऑल, मिस्टर हसीब स्पीक्स डैश देन मिसेस आमिर, तो मिस्टर हसीब स्पीक्स मोर क्लियरली, मदर प्रिपेयर चिकन डैश देन ग्रैंड, तो मदर प्रिपेयर चिकन बेटर देन ग्रैंड। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रीपोजिशन फ्रेंड्स उस वर्ड्स को कहते हैं जिसमें दोनों वर्ड्स को आपस में कंबाइन करके जो है वो वर्ड जिन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके लगाया जाए, जैसे कि इन हो गया, एट हो गया, फॉर हो गया, तो इस विद हो गया, बाय हो गया, इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। द प्रिंसेस लिव इन डैश द कैटल, इन द कैटल, अबाउट सम मिल्क डैश द ग्रोसरी स्टोर, तो स्टोर से मैंने कुछ दूध खरीदा, तो फ्रॉम, माय सिस्टर सेट डैश माय मॉम इन द बस, माय सिस्टर सेट विद माय मॉम इन द बस, व्हेन वी गॉट रेडी फॉर डिनर आई हैव टू टेक माय बुक डैश द टेबल, फ्रॉम द टेबल, we took a trip
डैश टू टाउन लास्ट वीक, हमने जो है ट्रिप लिया किसकी तरफ, टूवर्ड ला टू टाउन टाउन, तो वी टुक अ ट्रिप टू टाउन लास्ट वीक. ही इज डैश होम, वो घर पर है. ही इज एट होम. हर अपार्टमेंट इज डैश द सेकेंड फ्लोर, हर उसका जो अपार्टमेंट है वो सेकेंड फ्लोर पर है, तो एट. हर अपार्टमेंट इज एट द सेकेंड फ्लोर. द बुक द अबाउट विल टेक यू डैश द रिवर, अक्रॉस द रिवर. द स्ट्रीट रन्स डैश द सी पॉन्ड, द स्ट्रीट रन्स यस अक्रॉस द सी पॉन्ड. I prefer to ride my bike down the hill. Identify the following sentence as simple, compound, complex or none of these. Friends, ये इंतहाई अहम चीज है. Simple, ये जो है simple, complex और compound. ये बहुत जरूरी है, हर पेपर में आते हैं. Friend, इसके ऊपर मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ. कंप्लीट मैंने उसको सॉल्व किया है. अगर मैं आपको दिखाऊं तो, अगर आप मेरे चैनल पे चले जाएंगे ओपन नॉलेज गेनर में, वहाँ पे वीडियोस पे अगर चले जाएंगे तो फ्रेंड नीचे आपको ये यहाँ पे प्रिपरेशन इंग्लिश क्लॉजेस सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर ऑल कंपिटेटिव एग्जाम के लिए कम्प्लीट वीडियो मैंने बनाई है. इसका लिंक ऑलरेडी आपको वीडियो के ऊपर इसी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है लिंक शो हो जाएगा. अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस वीडियो में एक्सेस कर सकेंगे. अगर आपको वहाँ से जो है एक्सेस नहीं कर सकते या उसके बाद अगर आप जो है मेरी वीडियो में जाके चैनल में जाके वीडियोस में जाके जहाँ से आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं कम्प्लीटली आपको समझ आ जाएगी सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है. तो इसके ऊपर कम्प्लीट वीडियो है जो है लिंक ऊपर आपको शो होगा तो आप वहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही ओरली मैं बता देता हूँ. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस जो है सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताऊँ. सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें जो है हमारे पास जो है वो सेंटेंस जो है डिपेंडेंट ना हो किसी पे. कंपाउंड सेंटेंस वो दो जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं. कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है. तो ये बेसिकली आप उसी वीडियो में आपको ठीक से समझ आ जाएगी. तो बेसिकली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वो वीडियो देख लो पहले, उसके बाद यहाँ से आगे इसको पॉज करके वो वीडियो देख के आप डायरेक्टली इस पे आओगे तो आपको इजली समझ आ जाएगी. सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. ये हमारे पास सिंपल कंपाउंड सिंपल हो गया. आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल एंड माई ब्रदर लाइक प्लेइंग टेनिस. तो आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, हमारे पास ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. माई ब्रदर लाइक प्ले टेनिस, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो एंड बीच में कंजंक्शन भी है तो हमारे पास कंपाउंड हो गया. तो ये बेसिकली हमने तमाम चीज़ें उस वीडियो में डिस्क्राइब जो है की हुई हैं, बताई हुई हैं. डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है. इसलिए अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप काइंडली उसको वॉच करें. आई विल हेल्प इफ यू हेल्प मी. आई विल हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है और यू हेल्प मी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाए. आगे चलते हैं. हर नेम इज सचिको एंड शी इज कम्स फ्रॉम जापान. हर नेम इज सचिको एंड शी इज कम, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हमारे पास कंपाउंड आ गया. माय ब्रदर कुक डिनर, ये वाइल है आई वाज, तो हमारे पास ये भी कंपाउंड सेंटेंस है. विद द डॉग क्लैश चेस्ड द कैट, इट बार्क लाउडली. तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमारे पास एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है. Although he work hard, ये भी हमारे पास complex है. The boys did not go to the zero because they went to the park. The boys did not go to the zero, they went to the park. Complex है क्योंकि हमारे पास एक dependent clause है. Friends, ये है, ये मैंने यहाँ पे solve कर लिए. आप kindly जो मैंने आपको video बताई है वो video देखें. अगर वो video आप देखोगे तो आपको easily समझ आ जाएगा कि मैंने ये सब चीज़ें जो है उसमें जो है डिफाइन की हुई है विद एग्जांपल के साथ. तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमने ये टिक कैसे किया, क्यों किया. आगे चलते हैं. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन ऑप्शन, तो एडजेक्टिव हमें फाइंड करने हैं. तो आइए एडजेक्टिव की जरा ऊपर बात करते हैं.
ओके फ्रेंड, एडजेक्टिव हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. ऐसे वर्ड्स जो हमारे पास नाउन को, नाउन क्या है बेसिकली, नाम है, कोई भी चीज़ का नाम हो गया ही, और उसको हम लोग अगर डिस्क्राइब करें, जैसे कि कलर, जैसे उसका कलर मतलब दिस कलर इज ब्लैक, ये हमारे पास कलर को शो करता है. दिस कलर इज ब्लू. साइज, सो जो भी चीज, दिस बिल्डिंग इज बिग, तो बिग हमारे पास जो है हमारे पास, सो मतलब दिस रूम इज ह्यूज, तो ह्यूज हमारे पास द एडजेक्टिव को शो करेगा. लार्ज, देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बुक्स हेयर, तो लार्ज हमारे पास हो गया, शेप को डिफाइन करता है. दिस ट्राइंगल इज बोजी शेप, ओवल शेप, राउंड शेप. टेस्ट को डिफाइन करता है, बिटर, सोर. दिस केक इज बिटर, दिस केक इज सोर, दिस केक इज स्वीट, टेंगी सा. तो बेसिकली ये तमाम चीज़ों को जो है, साउंड, सब चीज़ों, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, बताता है कि ये चीज़ क्या है. तो बेसिकली एडजेक्टिव का मतलब ये है कि किसी चीज़ को बताता है, डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है. आइए क्वेश्चन की तरह, द टीम हैज हैड इनफ प्रैक्टिसेस, द टीम हैज हैड इनफ, काफ़ी प्रैक्टिस कर चुकी है, तो काफ़ी हमारे पास यहाँ पे इनफ होगा. इनफ मीन्स काफ़ी. शी डिड नॉट ईट एनी फ्रूट, उसने जो है कोई फूड नहीं खाया. एनी हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसने एनी बता रहे कुछ नहीं खाया. ही इज अ नॉइजी बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे नॉइजी हमारे पास जो है ये एडजेक्टिव को शो करता है. द शोड मच पेशेंट, यहाँ पे बेसिकली ही शोड मच पेशेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ही शोड मच पेशेंट, तो मच हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया. दिस इज अ पाकिस्तानी क्लॉथ इन द मार्केट, मतलब ये जो है क्लॉथ जो है पाकिस्तानी है. बेसिकली यहाँ पे मार्केट भी नाउन है, क्लॉथ भी नाउन है, तो दिस इज अ पाकिस्तानी क्लॉथ, कपड़ा जो है, यह आई थिंक ये पाकिस्तानी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी क्लॉथ है ये. फिल द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दिस इज द डैश ट्री इन द गार्डन, तो एडजेक्टिव को डिफाइन करना है, तो दिस इज द टैलेस्ट ट्री इन द गार्डन. शी इज अ डैश वोमेन, शी इज अ वाइज वोमेन. मैथमेटिक्स इफ हेक्सागन हैज अ सिक्स एंगल साइड एंड डैश एंगल, हेक्सागन बेसिकली वो हेक्सागन होते हैं जिसके छः साइड होते हैं, अगर उसके छः साइड हैं तो डेफिनेटली उसके एंगल भी छः होंगे. छः एंड इंक्रीज इन वन क्वान्टिटी काजेज डिक्रीज इन अदर क्वान्टिटी, देन दिस इज द कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इज, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली हमारे पास ये है. ओके फ्रेंड, यही तक क्वेश्चन से, इंशाल्लाह बाकी जो मिलेंगे तो वो भी आपको जो है अपलोड कर दूंगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच.